एक एज के बाद स्किन लूज हो जाती है और लटकना शुरू हो जाती है, एंड दैट इज व्हेन यू फील कि आपका एंटी एजिंग रूटीन इज नॉट रियली वर्किंग फॉर यू. इसलिए बहुत जरूरी है कि उस पॉइंट पे पहुंचने से पहले आप अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करें एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो नेचुरली आपके स्किन को टाइटन करे, लिफ्ट करे और प्लम्प करे. ये इंग्रेडिएंट है पेप्टाइड्स. I love peptides. If you follow me, you know it. लेकिन peptides को incorporate करना अपने skin care routine में थोड़ा challenging है, क्योंकि peptides को सही तरीके से layer करना पड़ता है. और आज हम इसके बारे में बात करेंगे. Today's video is dedicated to how to layer peptides correctly if you want to use them in your AM routine and your PM routine. हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड. मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट. टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू लेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स करेक्टली इन योर एग्जिस्टिंग रूटीन्स. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मैं बनाती हूँ डेली स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज, दैट इज 7 days अ वीक. दे गो लाइव एट 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, अपने रूटीन को परफेक्ट करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, आई हैव लॉन्च्ड चैनल मेंबरशिप्स जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर $10 अ मंथ. ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. इफ यू आर फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल, चांसेस आर यू ऑलरेडी नो माई फेवरेट पेप्टाइड्स. मेट्रिक्सिल, अर्गलाइन, कॉपर पेप्टाइड्स, ये हैं मेरे तीन फेवरेट पेप्टाइड्स. लेकिन ऐसा ही नहीं है कि मैंने दूसरे पेप्टाइड्स ट्राई नहीं किए हैं. एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा पेप्टाइड क्या करता है. पेप्टाइड इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. पेप्टाइड टर्म को यूज करना इट्स लाइक यूजिंग द टर्म स्किन केयर. बहुत ब्रॉड है, हर चीज स्किन केयर है. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि पेप्टाइड्स करते क्या है, आई विल लिंक दैट वीडियो, यू कैन वॉच इट लेटर. बट आज हम फोकस कर रहे हैं लेयरिंग पे. एंड वेन वी गेट स्टार्टेड विद द लेयरिंग, द फर्स्ट प्रोडक्ट आई वॉन्ट टू गेट स्टार्टेड विद, जिसकी लेयरिंग एक्चुअली बहुत सिंपल है, इज कॉपर पेप्टाइड्स. नाउ कॉपर पेप्टाइड्स क्या होते हैं? कॉपर पेप्टाइड्स इज अ टाइप ऑफ अ कैरियर पेप्टाइड. कैरियर पेप्टाइड्स carry healing functions to your skin. They are one of the most potent and one of the most strongest peptides. And ye main usually recommend karti hoon do cases mein. Number one, you're above the age of 35 ya agar aapko already deep lines pad gaye hain. In my case, I'm 37 years old. Mujhe deep fine lines kahin bhi nahi hai. Yahan pe meri ek ded line hai jo 10 सालों से है. एंड इसलिए आई यूज कॉपर पेप्टाइड्स रेगुलरली. नाउ आई वांट टू स्टार्ट विद कॉपर पेप्टाइड्स फर्स्ट, बिकॉज कॉपर पेप्टाइड्स की लेयरिंग को समझना बहुत सिंपल है. बेसिकली कॉपर पेप्टाइड आप नहीं यूज कर सकते रेटिनॉल के साथ, आप नहीं यूज कर सकते एक्टिव्स के साथ, यानी डायरेक्ट एसिड्स, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, BHA, एज़लिक एसिड, कोजिक एसिड, इन चीजों के साथ आप कॉपर पेप्टाइड को यूज नहीं कर सकते. द ओनली एसिड यू कैन एक्चुअली यूज योर कॉपर पेप्टाइड विद इज हाइलुरोनिक एसिड. सो कॉपर पेप्टाइड, नो रेटिनॉल, नो डायरेक्ट एसिड्स एंड नो विटामिन सी. नाउ विटामिन सी और कॉपर पेप्टाइड्स, अगर आप उनको लेयर करने में कोई गलती नहीं होगी, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट इट विल ब्रेक डाउन द विटामिन सी. सो आपको विटामिन सी का फायदा नहीं मिलेगा, कॉपर पेप्टाइड का फायदा नहीं मिलेगा, एंड हो सकता है आपके स्किन पे इरिटेशन हो. सो इफ यू वांट टू लेयर योर कॉपर पेप्टाइड, योर ओनली ऑप्शन इज टू लेयर इट विद हाइलुरोनिक एसिड एंड नायासिनमाइड. नायासिनमाइड इज अ विटामिन, इट इज अ फैबुलस इंग्रेडिएंट. इसे आप प्रिटी मच हर स्किन केयर इंग्रेडिएंट के साथ लेयर कर सकते हैं, एंड विच इज वाई आई ऑलवेज रेकमेंड व्हाटएवर बी योर स्किन कंसर्न, एक 10% नायासिनमाइड आपके पास होना चाहिए, 5% नायासिनमाइड इफ योर स्किन इज सेंसिटिव. सो नायासिनमाइड इज अ प्रोडक्ट दैट यू कैन लेयर सेफली विद कॉपर पेप्टाइड्स अलॉन्ग विद हाइलुरोनिक एसिड. मेरे पास दो कॉपर पेप्टाइड सेरम्स हैं जो मैं यूज करती हूँ, कर चुकी हूँ. नंबर वन इज द ऑर्डिनरी कॉपर पेप्टाइड सेरम, एंड इसमें इतना सा कॉपर पेप्टाइड रह गया है. दिस हैज बीन आउट ऑफ स्टॉक, एंड द न्यूज इज दैट कॉपर पेप्टाइड बफे प्लस कॉपर पेप्टाइड 1%, इसका जो नाम है ऑर्डिनरी चेंज करने वाली है बहुत जल्द, इसलिए इट इज आउट ऑफ स्टॉक प्रीटी मच एवरीवेयर. सो दिस इज वन दैट, दिस इज द फर्स्ट वन आई स्टार्टेड यूजिंग, एब्सोल्युटली लव इट. एंड जो करंटली मैं यूज कर रही हूँ, दैट इज द स्क्वालीन प्लस कॉपर पेप्टाइड बाय बायोसांस. नाउ कॉपर पेप्टाइड का बेस्ट इंपैक्ट देखने के लिए आपको इसको रेगुलरली यूज करना पड़ता है, एंड एज आई सेड रेटिनॉल के साथ नहीं, HA, BHA के साथ नहीं,
एसिड्स के साथ नहीं तो कैसे यूज करें. सो मैं अपने स्किन केयर रूटीन में इसे सुबह यूज करती हूँ. आई हैव स्टार्टेड यूजिंग कॉपर पेप्टाइड सेरम्स फॉर अ फ्यू मंथ्स. आई थिंक अब 3-4-5 महीने हो गए हैं, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक सिंस जैन एंड या फेब्रवरी से मैं इसे रोज यूज कर रही हूँ इन माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, विच मीन्स मैंने अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में विटामिन सी को यूज करना बंद कर दिया है. एंड इट्स नॉट बिकॉज विटामिन सी इज नॉट अ ग्रेट इंग्रेडिएंट. विटामिन सी इज फॉर ब्राइटनिंग योर स्किन ओवरऑल. इट्स ग्रेट फॉर हाइपरपिगमेंटेशन, मेलाज्मा. क्योंकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे है नहीं, मैं यूज कर रही हूँ कॉपर पेप्टाइड. इसे मैं लेयर करती हूँ नायासिनमाइड के साथ. अभी मैंने कॉपर पेप्टाइड को एक और पेप्टाइड सेरम के साथ यूज करना शुरू किया है, विच यू कैन सी इन माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, एंड दैट इज द नंबुजिन कोलाजन पुडिंग. अब इस सेरम के बारे में बात करना बहुत जरूरी है एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, एंड आई विल टेल यू व्हाई. नाम है इसका कोलाजन पुडिंग, एंड कोलाजन इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें भी पेप्टाइड्स हैं. बट अगर आप इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखेंगे तो इसमें जो पेप्टाइड्स हैं, हेक्सापेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, वेरी नाइस पेप्टाइड्स, ये हैं बिल्कुल आखिर में. दे आर लिटरली द लास्ट 3 or 4 इंग्रेडिएंट्स, व्हिच मींस कि इसमें कोलाजन की इसमें पेप्टाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. इसमें जिस चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो है नायासिनमाइड और है फर्मेंटेड एसेंसेस. इसलिए मैं इन्हें यूज करती हूँ. सो अभी कुछ 1-1.5 हफ्ते से, जब से मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है, सिंस आई बॉट इट, मैं इसे यूज करती हूँ कॉपर पेप्टाइड के साथ. कॉपर पेप्टाइड पहले, फिर नंबुजिन का सेरम. इससे मुझे थोड़ा सा नायासिनमाइड भी मिल रहा है, थोड़े एडिशनल पेप्टाइड्स भी मिल रहे हैं. बेसिकली ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन. सो सिंपल सी बात है, अगर आपको कॉपर पेप्टाइड्स यूज करने हैं, रोज यूज करने हैं, तो यू विल हैव टू यूज इट इन अ रूटीन जहां आप रेटिनॉल, AHAs, BHAs नहीं लगाते. मेरे लिए वो रूटीन है मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. नाउ आई हैव बीन गेटिंग दिस क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम्स, स्पेशली वो सारे लोग जो मेरे हाइपरपिगमेंटेशन मेलाज्मा के रूटीन्स फॉलो कर रहे हैं. Yes, this is the only channel on the internet जहां आपको मिलते हैं detailed skincare routines. So, जो लोग मेरे hyperpigmentation melasma के routines follow कर रहे हैं, they have been asking me कि हम vitamin C alpha routine लगाएं 2 दिन, फिर हम copper peptide लगाएं because say we are above the age of 40, 50, whatever. Now, this is my answer to you guys and this is my true, honest answer as a woman. देखें, hyperpigmentation melasma एक बहुत complicated और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए. इसमें टाइम लगता है, एनर्जी लगते हैं, प्रोडक्ट्स लगते हैं. सो अगर इस प्रॉब्लम को आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, जरूरी है कि आप अपने हाइपरपिगमेंटेशन मेलाज्मा के रूटीन के साथ कंसिस्टेंट रहें. सो अगर उस रूटीन में विटामिन सी अल्फा अरबुटीन है सुबह, नायासिनमाइड अल्फा अरबुटीन है सुबह, एज़लिक एसिड नायासिनमाइड है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, सो प्लीज उसे 7 दिन लगाएं सो दैट यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. कॉपर पेप्टाइड्स यू कैन यूज आफ्टर फ्यू मंथ्स जब आपका मेलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन ठीक होना शुरू हो जाए. जो एक सबसे बड़ी स्किन केयर प्रॉब्लम होती है ना, उस पे हमेशा फोकस रहें. सो दैट इज माय आंसर टू ऑल ऑफ यू गाइस हु हैव बीन आस्किंग मी कि क्या हम कॉपर पेप्टाइड्स को बाकी दिन यूज कर लें. नहीं, अभी मत करो, अभी मेलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन को ठीक करो. सो लेयरिंग ऑप्शन नंबर 1 फॉर कॉपर पेप्टाइड्स, यू कैन नॉट लेयर इट विद एनीथिंग. वेरी सिंपल, नायासिनमाइड हाइड्रोनिक एसिड के साथ लगा सकते हैं, स्नेल म्यूसिन के साथ लगा सकते हैं, हाइड्रेटिंग टोनर्स के साथ लगा सकते हैं. बेसिकली नो रेटिनॉल, नो HA, नो BHA, नथिंग. अब आ जाते हैं पेप्टाइड नंबर 2 पे, मेरा फेवरेट पेप्टाइड, वन ऑफ माय फेवरेट पेप्टाइड्स, जिसने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करी है, और वो है मेट्रिक्सिल 10% इन HA. अब मेट्रिक्सिल 10% इन HA, अ लॉट ऑफ यू गाइस आर वाचिंग मी फ्रॉम इंडिया, आई नो इंडिया में नहीं मिलता, एंड आई हैव क्लैरिफाइड दिस इन अ सेपरेट वीडियो. मेट्रिक्सिल 10% कोई मेट्रिक्सिल एक नया पेप्टाइड नहीं है. मेट्रिक्सिल एक पेटेंटेड फॉर्मूला है जिसमें 2 टाइप के हेक्सापेप्टाइड्स कंबाइन करके बनाए जाते हैं. एक फ्रेंच लैब ने इस फॉर्मूला को पेटेंट किया है जिसे कहते हैं मेट्रिक्सिल. अब ये वाला जो पर्टिकुलर पेप्टाइड है बाय द ऑर्डिनरी मेट्रिक्सिल 10% इन HA, इसमें वो 2 पेप्टाइड्स हैं. सो अगर आप इसे यूज करते हैं अपने PM रूटीन में, इसे यूज कर सकते हैं आप अपने रेटिनॉल के साथ. मेट्रिक्सिल या आपके कोई भी मल्टी पेप्टाइड्स, आप इनको नहीं यूज करेंगे एक्टिव्स और एसिड्स के साथ. नो AHA, नो BHA, नो एज़लिक एसिड, नो लैक्टिक एसिड, नन ऑफ दैट. पर इसे आप 100% यूज कर सकते हैं अपने रेटिनॉल के साथ. और अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है इंडिया में, देन यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज द मिनिमलिस्ट मल्टी पेप्टाइड सेरम हैज द सेम 2 पेप्टाइड्स, सिर्फ उन्होंने उसको मेट्रिक्सिल का नाम नहीं दिया है. एंड कुछ रीफॉर्मुलेशंस में उन्होंने मेट्रिक्सिल का नाम दिया भी है, बट इन जनरल द इंग्रेडिएंट्स आई हैव चेक्ड आर द सेम. सो अगर आपको मिनिमलिस्ट का 650 या 690 रुपीस का मल्टीपेप्टाइड मिलता है,
Go ahead, use it. It'll give you the same benefit. Now, the beauty about Matrixyl is that yes, you can layer it with your retinol. And that is how I use it. That's how I have been using it for months now. I think it's been, 8, 9, 10 months. Last year, shuru kiya tha. Fabulous results. Absolutely, absolutely love the impact. Matrixyl jo skin ko properties deta hai. Matrixyl jo peptide hai, usse jo skin ko plumping or hydrating properties milti hain, plus my retinol which boosts my skin cell turnover, together they are chef's kiss. This is a fabulous combination. Lekin Matrixyl ko bhi avoid karein to use it with a high strength vitamin C. Yani agar aap soch rahe hain ki subah ke routine mein vitamin C 10%, 15%, 20% uske saath Matrixyl lagayenge, no. It's going to cause breakdown, it's going to cause irritation. So use this in the PM, isse use kare apne retinol ke saath. Retinol based cream, retinol based serum, retinol tretinoin, jaise main use karti hun, Matrixyl will go with everything. Now let's talk about the serum, jiska combination mujhe Matrixyl ke saath bahut pasand hai, and that is arginine, hexapeptide 8. Hexapeptide 8 Arginine Serum, ये है एक neuropeptide, neurotransmitter peptide. इसका काम क्या होता है? Well, neuro comes from the brain, the word brain. And when we say it's a neurotransmitter, ये peptide आपके brain को signal करती है for your muscles and your cells to relax. इसे बहुत popularly कहा जाता है Botox in a bottle. Botox नहीं है, but yes, it has temporary benefits when you use it immediately, or rather it has immediate benefits jab aap lagate hain, and long term benefits jab aap ise consistently lagate hain bahut lambe time tak. Now this is 10% Arginine solution. The way I like to use it, I'm pretty sure you've seen it in my PM routine, is main pehle chehre pe lagati hu Arginine, phir chehre ko mist karke lagati hu Matrixyl, uske baad lagati hu apna tretinoin. Agar aapko Arginine solution nahi mil raha India mein, again do not worry, jo ordinary ka multipeptide hai, the ordinary multipeptide, not the minimalist multipeptide, उसमें concentration में Arginine है. So अगर आपको Arginine definitely use करना है, आप use कर सकते हैं जो ordinary का multipeptide है, जिसका नाम पहले होता था buffet serum, अब है उसका नाम multipeptide serum. So that is something you can use. Again, Arginine, Matrixyl, दोनों retinol के साथ जाते हैं, and that is why they are fabulous for your PM skincare routine. No actives, no vitamin C, nothing. अगर आप अपने रूटीन को थोड़ा सा और बूस्ट करना चाहते हैं, यू कैन ऑब्वियसली ऐड नायासिनमाइड एज वेल, लेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो. सो द सेकेंड पेप्टाइड विच इज ब्रिलियंट इज Matrixyl एंड Arginine, एंड एक्चुअली नंबर 2 and 3, एंड दिस डज गो वेरी वेल विद योर रेटिनॉल. Now let's move on to the next. I want to talk about one product जो मैंने काफी सारा use किया है यहाँ तक, and इसे मैंने test out किया था extensively in the month of July. ये भी एक multi-purpose serum है. बहुत easily you are getting this in, I think you're getting this in India on Amazon. Of course you definitely get it in the UAE. US में तो बहुत आराम से मिलता है. That is Astowood. अब ये है Astowood का Matrixyl 3000, Arginine and Vitamin C. तो जो लोग अपने मॉर्निंग रूटीन में पेप्टाइड यूज करना चाहते हैं विद विटामिन सी, दिस इज योर आंसर. लेकिन एक चीज जरूर याद रखें, इसमें विटामिन सी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. सो अगर आपको मिलाज्मा है, डार्क स्पॉट्स है, हाइपर पिगमेंटेशन है, और आपको लग रहा है कि वो सारा सॉल्व हो जाएगा अलॉन्ग विद एंटी एजिंग विद दिस वन सेरम, नहीं सॉल्व होगा. मिलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन के लिए आपको चाहिए 15-20% विटामिन सी कॉन्सेंट्रेशन प्लस अल्फा आर्बुटिन, या आपको चाहिए विटामिन सी प्लस एसलिक एसिड, या आपको चाहिए नायासिनमाइड विद अल्फा आर्बुटिन, या आपको चाहिए नायासिनमाइड विद एसलिक एसिड. ये दो इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन क्रिटिकल है, इसलिए ये वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता. बट लेट्स से आपकी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन नहीं है, मेलाज्मा नहीं है, और स्किन इज क्लियर, और आप चाहते हैं एंटी एजिंग बेनिफिट्स विद अ लिटिल विटामिन सी, 100% यू कैन ट्राई दिस Astowood Matrixyl 3000 विद Arginine and vitamin C. So this is recommendation number 4. इसे आप अपने सुबह के रूटीन में यूज कर सकते हैं, आप इसे अपने रात के रूटीन में यूज कर सकते हैं विद योर रेटिनॉल, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी कम है. कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की या इंग्रेडिएंट की बहुत मैटर करती है लेयरिंग के टाइम. अगर आपके पास 2% विटामिन सी है या 3% विटामिन सी है गार्नियर का, उसके साथ रेटिनॉल लगा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
20% विटामिन सी डॉक्टर शेत, उसके साथ ट्रेटिनॉइड बहुत प्रॉब्लम होगी. सो कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा दिमाग में रखें, ब्लाइंडली सिर्फ इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट पे फोकस मत करें, कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करती है. सो लाइक आई सेड, ये वाला जो हमारा सेरम है मेट्रिक्स 3000 आर्गोलाइन विटामिन सी बाय एस्टरवुड, इसे आप एम पी एम दोनों यूज कर सकते हैं, रेटिनॉल के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन no AHA, no BHA, no azelaic acid, no kojic acid, none of that. Now let's move on to the next. Next I have for you, two more serums. Now if you remember, of last year sometime मैंने एक बहुत महंगा serum खरीदा था, the EGF serum, which was like 700 dirhams almost. Now EGF क्या है? Epidermal growth factors. ये भी एक नाम है जो दिया जाता है एक पर्टिकुलर पेप्टाइड के कॉम्बिनेशन को, विच इज ऑलगियोपेप्टाइड. नाउ ऑलगियोपेप्टाइड अगेन, दे आर पेप्टाइड्स दैट बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, दे आर प्रोटीन चेन्स लाइक ऑल एमिनो एसिड्स आर देयर फैबुलस. मैंने वो ईजीएफ बहुत यूज किया, मुझे इतना कोई खास फर्क नहीं लगा. नाउ आई नो सम पीपल विल से ओ यू हैव गुड स्किन तो फर्क कैसे दिखेगा. गुड स्किन पे अगर फर्क दिखता है ना तो वो प्रोडक्ट अमेजिंग होता है. अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम्स हैं और उसे एक प्रोडक्ट ठीक कर देता है तो कोई भी प्रोडक्ट कर सकता है, राइट? बट अगर आपकी स्किन अच्छी है और आपकी स्किन को और अमेजिंग कर देता है कोई प्रोडक्ट, टू मी दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ फैबुलस यू नो फॉर्मुलेशन. सो जो ईजीएफ है बायो इफेक्ट का, मैं उसे यहां मेंशन कर रही हूं. इफ यू कैन अफोर्ड इट, अगर आपको ट्राई करना है, बहुत मन कर रहा है, आप यूज कर सकते हो. अगेन सेम लॉजिक, नो रेटिनॉल, सॉरी सेम लॉजिक, नो एच ए, नो बी एच ए, नो विटामिन सी, नथिंग, रेटिनॉल के साथ यूज कर सकते हैं. ईजीएफ का एक ड्यूप जो बहुत अफोर्डेबल है, एंड दैट इज बाय रेवोल्यूशन स्किन केयर, ये यहाँ पे आता है फॉर बट 60-70 दिरहम्स. इसमें सेम सिमिलर इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड दिस इज समथिंग आई डू रेकमेंड अगर आप इस पर्टिकुलर पेप्टाइड को यूज करना चाहते हैं. लेकिन अगर आपके पास मिनिमलिस्ट का मल्टी पेप्टाइड सेरम है, उसमें ऑलगियो पेप्टाइड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो यू डोंट नीड टू बाय वन सेपरेटली. ईजीएफ के लिए भी सेम रूल्स हैं, रेटिनॉल के साथ यूज कर सकते हैं, एक्टिव्स एंड विटामिन सी के साथ नहीं. एंड द अदर पेप्टाइड दैट आई डू वांट टू मेंशन हियर, सिनोक्सिन 2, ये मैंने लिया था काफी टाइम पहले, एंड इसमें है XEP18, हेक्सापेप्टाइड का फॉर्म है, एंड दिस इज अ पर्टिकुलर पेप्टाइड जिसे मैंने ट्राई आउट किया था एक्सटेंसिवली इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, हॉलीडेज पे थी मैं, तो मैं सिर्फ इस एक पेप्टाइड को लेके गई थी. अगेन ग्रेट फॉर्मूला, सेरम है बट इट्स लाइक अ क्रीमी सेरम, सो दिस obviously आपके स्किन में अब्सॉर्ब अच्छे से हो जाता है, बट इट्स लाइक अ बिट ऑफ अ क्रीमी सेरम. अगेन सेम लॉजिक विद दिस एज वेल, ये आपके स्किन को नरिश करता है. दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर, दिस इज अमेजिंग, रेटिनॉल के साथ लगा सकते हैं, AHAs, BHAs, विटामिन सी के साथ नहीं. अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछें माई व्यू ऑन पेप्टाइड्स एंड वॉट पेप्टाइड सेरम दैट यू शुड इन्वेस्ट इन, देखें डीप फाइन लाइन्स, रिंकल्स हैं, यूर अबव अ सर्टन एज, डेफिनेटली अबव द एज ऑफ 40, copper peptide will be your best friend and try and use it daily in the AM. Otherwise, Matrixyl 10% plus Argoline. Otherwise, if you want to use the multi-peptide by the minimalist, I think the multi-peptide by the minimalist is a fabulous formulation. Usme aapko bahut sari cheeze mil rahi hain. You're pretty much getting everything except Argoline. Pure Argoline itna aasani se nahi milta. You obviously have it in the ordinary. Now, I know some of you guys have been asking me to try a lot of other peptide serums. तो जो बाकी peptide serums हैं, जैसे brands like Skin Diva या Snap 8 peptide etc. Definitely, I know about them, पर मैंने try नहीं किया है because I don't get them here in the UAE. But the good news is कि मैंने कुछ peptides को order किया है via Amazon Global Store, the US Global Store that delivers into the UAE. And hopefully, कुछ नए peptides आएंगे मेरे पास by the end of this month. So I'm shooting in the middle of August. So by the end of August, मेरे पास आएंगे कुछ नए peptides. 100% मैं उन्हें यूज करूंगी, एंड देन मे बी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आई विल बी एबल टू गिव यू अ रिव्यू अबाउट डिफरेंट और मोर टाइप ऑफ पेप्टाइड सेरम्स. आई होप पेप्टाइड्स की लेयरिंग आपके लिए क्लियर हो गई है. इन जनरल रिमेंबर, कॉपर पेप्टाइड किसी चीज के साथ नहीं जाता एक्सेप्ट नायासिनमाइड, एंड इफ यू आर यूजिंग अदर पेप्टाइड्स, मेट्रिक्सल, मल्टी पेप्टाइड, आर्गलाइन, वट एवर, रेटिनॉल के साथ लगा सकते हैं. You can use everything with retinol. You can use most of the things with retinol, लेकिन direct acids के साथ problem होती है.
ऑलवेज लेयर योर स्किन केयर करेक्टली. अगर आपको कोई भी डाउट है ऑन हाउ टू लेयर योर स्किन केयर करेक्टली या ये पेप्टाइड्स आपके स्किन के लिए करते क्या हैं, देन दिस इज द नेक्स्ट वीडियो. गो हैड एंड वॉच इट. मैं आपसे मिलूंगी अगली बार. वीडियो पसंद आई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आई एम सीइंग सम ऑफ दीज यूट्यूब एनालिटिक्स जहां वॉच टाइम जो घंटे लोग व्यू करते हैं मेरा कॉन्टेंट, 63% ऑफ द वॉच टाइम इज कमिंग फ्रॉम पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब टू मी एंड दैट इज क्रेजी. इफ यू आर वॉचिंग द कॉन्टेंट, प्रेस द सब्सक्राइब बटन. Helps me a lot. I will see you next time. Bye.